और चलिए आगे बढ़ते बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर नासिक में लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में कई मंदिर, कई मकान आधे से ज्यादा डूब गए। इसी से जुड़ी एक मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में आसमान आफत कहर बनकर टूट रही है, ऐसे ही हालात महाराष्ट्र के नासिक में देखने को मिले हैं। वहां मूसलाधार बारिश से गोदावरी नदी ने रौद्र रूप ले लिया, जिसकी वजह से कई मंदिर आधे से ज्यादा नदी में समा गए, जबकि घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए। गोदावरी नदी के लहरों को देखकर वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए, क्योंकि नदी का सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा था। तेज बहाव की वजह से लोगों का मंदिर तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। मंदिर और घाटों पर पानी भरने से लोगों को वहां ना जाने की सलाह दी गई। ऐसे ही हालात नासिक के रिहायशी इलाकों में देखने को मिले। वहां भारी बारिश से सड़कों और चौराहों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। यही नहीं, जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चले आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की सोनभद्र की कर लेते हैं, जहां पर भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से बच्चे स्कूल जाते दिखाई दे रहे हैं, पुलिया पार करते नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पानी यहाँ भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति, और रस्सी के सहारे जो साइड में रेलिंग है उसको पकड़ते हुए कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स उनको गोदी में लेकर स्कूल भेजते दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है उनकी जान के लिए। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखाई दे रहे हैं बच्चे। भारी बारिश के बीच कैसे स्कूल जाने को मजबूर है, ये तस्वीरें बता रही हैं। पुलिया पार कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोनभद्र की, जहां पानी भर गया है, बाढ़ का जल भराव हो गया है, और उस वजह से परेशानी में लोग दिखाई दे रहे हैं। जो स्कूली छात्र हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अभिभावकों के साथ कैसे स्कूल जा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताएंगे, तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और यहां पर देखिए कि नदी उफान पर है, लोग परेशान हो रहे हैं, और देखिए पैदल चलने को मजबूर है, आने जाने में जो गांव के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, और इसी की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां इन लोगों को आ रही है। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बल्कि अलग अलग जगहों से आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए लगातार लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही है, और कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देखिए यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और लोगों के घरों में पानी जा चुका है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, और भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। आप देख लीजिए ये लोग जो गाँव में रह रहे हैं, इन लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही है, घरों में पानी जा घुसा है। अगर लोगों को जाना पड़ रहा है तो नाव का सहारा लोग ले रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से भी तस्वीरें आपको दिखाई, गोंडा से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आलम हर जगह पर कुछ ऐसा ही है। तो नासिक में आपने देखा किस तरह के हालात हैं, और चलिए अब आपको छह तस्वीरें दिखा देते हैं। हर जगह बाढ़ और बारिश, कहन बरकन कैसे टूट रही है तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पुणे, नासिक, अजमेर, धौरपुर, नर्मदापुरम और गोंडा की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जल जमाव के हालात है, कहीं कहीं लोगों के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है, तो कहीं सड़कों पर नाव भी चलती दिखाई दे रही है। शहर शहर बाढ़ और बारिश का कहर हम देख रहे हैं। बदलते मौसम के साथ हर जगह जो व्यवस्थाएं मानसून से पहले करने का दावा किया जाता है, उनकी भी पोल खुल रही है, और कुदरत का कहर बरपता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर जगह बारिश और बाढ़ से तबाही ही दिखाई दे रही है। तो ये छह तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अभी जो हालात हैं, सिर्फ नासिक की अगर बात करें या पुणे की बात करें, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि राजस्थान में भी इसी तरह के हालात बने हुए। चलिए आपको जल्दी से अजमेर की भी तरह तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए ये सड़कें हैं, सड़कें ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से पानी से भर गई हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। हालांकि ये कहा जाता है नगर निगमों की तरफ से कि तैयारियां पूरी रखी गई हैं मानसून से पहले, लेकिन जैसे ही बाढ़ और बारिश होती है तैयारियों की पोल खुलती दिखाई देती है, और ऐसे में आधे हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों में बाढ़ और बारिश के चलते लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। अजमेर, राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कें ऐसा लग रहा है कि दरिया है,
सड़क है ही रही और उसी से वाहन गुजरने को मजबूर हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह के हालात हैं बाढ़ और बारिश के बाद, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अगली तस्वीर अब आपको प्रगति दिखाई। बिल्कुल, आगे बढ़ते हुए अब बात धौलपुर की कर लेते हैं, जहां राजस्थान में भी ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं और नदी उफान पर है जिसकी वजह से पार्वती डैम के 10 गेट खोले गए और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर पानी भर गया। तो 10 गेट खोलने के बाद जो आसपास के निचले इलाके हैं वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। लोगों को इस इलाके में अलर्ट जारी किया गया, इस इलाके से दूर रहने की अपील की गई है। ये तस्वीरें धौलपुर राजस्थान की आप देख रहे हैं, जहाँ पर नदी उफान पर है और पार्वती डैम के 10 गेट इस वजह से खोलने पड़े हैं। सैलाब का कहर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो किस तरह से हिंदुस्तान में ये कहर बरपा रही है बाढ़ बारिश, ये आपने देखा। और बात सऊदी अरब की कर लेते हैं, जहां पर भी बाढ़ बारिश का कहर देखा जा रहा है और यहां पर लैंडस्लाइड के चलते एक पूरी सड़क बाधित हो गई, जिससे यातायात तो प्रभावित हुआ ही, लोगों के लिए भी आवाजाही में भारी मुश्किल खड़ी हो गई। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। हालात ये हो गए हैं कि कई इलाकों से पहाड़ खिसकती की खबरें सामने आ रही है, तो कहीं बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सऊदी अरब के खामिस अल बहर से खौफ से भर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा भर भर आकर सड़क पर आ गया। पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते नजर आए और देखते देखते पहाड़ का पूरा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया। इस दौरान वहाँ पर कई गाड़ियाँ मौजूद थी। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। ऐसी ही घटना सऊदी के जजान से भी सामने आई। वहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। सऊदी अरब में बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। पहाड़ी इलाके हो या फिर निचले इलाके, हर जगह पर कोहरा मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई, जबकि कुछ गाड़ियां सैलाब के सामने टिक नहीं पाई और पानी के तेज बहाव में फंस गई। और अब बात थाईलैंड के नान प्रांत की कर लेते हैं, जहां थाईलैंड के नान प्रांत में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं और जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक मिनट की रिपोर्ट देखिए। उफनती नदी की लहरें, सड़क पर सैलाब, घरों में घुसा बारिश का पानी, ये तस्वीरें थाईलैंड के नान प्रांत की है, जहां मूसलाधार बारिश ने ऐसा कोहरा मचाया कि बाढ़ आ गई। बाढ़ ऐसी कि जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी पानी दिखाई दिया। उफनती नदी को देखकर ऐसा लगा मानो उसकी जद में जो भी आ जाएगा तिनके की तरह बह जाएगा, क्योंकि उसकी लहरें सब कुछ बहा ले जाने को आमादा थी। यही नहीं, भारी बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जिन पर कभी गाड़ियां दौड़ती थी वहां नाव तैरती दिखाई दी। मकानों में घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां पर रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को अपने घरों तक को छोड़ना पड़ा। थाईलैंड के नान प्रांत में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए चार तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि हालात कैसे अलग अलग जगहों पर बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। थाईलैंड की तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं, नान प्रांत है और यहां पर बाढ़ बारिश का पानी भरता दिखाई दे रहा है। नावें चल रही हैं सड़क पर, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं मदीना प्रांत सऊदी अरब में भी कमोबेश यही हालात है। सऊदी अरब की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा व्लादिवोस्तोक रूस का भी यही हाल दिखाई दे रहा है, यहां भी बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं। वहीं जजान प्रांत सऊदी अरब की एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, लगातार जल प्रहार, कुदरत का कहर हर तरफ, भारत के अलावा भी दूसरे देशों में देखने को मिल रहा है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे संदीप घोष पर कैसे और कसा शिकंजा। देखिए पूरी खबर ब्रेक के बाद, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, जल्द लौटते हैं। पुलिस वालों पर पथराव करो, लाठियों से हमला करो, लेकिन एक्शन मत लो। एक्शन लो तो सवाल खड़े कर दो, सियासत करने लग जाओ। विपक्ष का काम ही यही है। जिस तरह छतरपुर में शहजाद अली की करोड़ों की कोठी पर पीले पंजे ने प्रहार किया, उस पर कानून के तहत कार्रवाई ना होने का नैरेटिव सेट होने लगा। लेकिन प्रदेश की मोहन सरकार का संदेश साफ है, गलत करोगे तो हिसाब होगा, पूरा होगा। और सरकार के संदेश पर बाबा बागेश्वर भी हां में हां मिला रहे हैं।
कानून को कोई भी हाथ में ना ले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो या किसी भी धर्म का हो। कानून कानून है, वो सबके लिए और सबके लिए समान है। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर दंड की कार्यवाही होगी। बाबा छत से जुदा करने की बात कर रहे हैं और वो भी हो रहा है। दो दिनों में प्रदेश की मोहन सरकार ने दो जगह एक्शन लिया। एक तरफ पथराव करने पर छतरपुर में बुलडोजर चला तो दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में भी पीले पंजे की थमक दिखाई दी, जहां एक दुष्कर्म के आरोपी नफीस के घर को जमींदोज कर दिया। कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, उसके द्वारा अवैध मकान जहां उसका पट्टा नहीं, उसके बारे में तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया था, जिसकी सुनवाई के बाद उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई उन लोगों के लिए भी सीधा संदेश है जो कानून के खिलाफ काम करते हैं, चाहे शहजाद हो या नफीस, धर्म कोई भी हो, आरोपी कोई भी हो, बुलडोजर तैयार है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुनीता विलियम्स